शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ बुलाने की वजह? बाबा के बारे में कुछ पता चला था। हमें कुछ नहीं सुनना। उनके हमलावर का नाम भी नहीं? परवेज। परवेज को बाबा ने अपने बेटे की तरह पाला है। इट्स इम्पॉसिबल। मखदूम साहब की मस्जिद में खड़ा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पापा से खास मोहब्बत की वजह? मोहब्बत बाबा से नहीं, कश्मीर से। खुदा हाफिज। जनाब, आपका मेहमान आ चुका है। बोलिए, इसके साथ क्या सलूक करना है? ठीक वैसा जैसा एक मुजरिम के साथ होना चाहिए। बोलो अजीजा, क्या कहना चाहती हो? बाबा, आपसे अकेले में बात करनी है। यहां कोई गैर नहीं है, बोलो। आपकी जान को खतरा है। उसमें कौन सी नई बात है? खतरा गैरों से नहीं, इस बार अपनों से है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। बाबा, परवेज, परवेज ने आप पे हमला करवाया था। अजीजा, तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जी, परवेज ने ब्लास्ट के ऑर्डर्स दिए थे। तुम हद से बाहर जा रही हो अजीजा। उस दलील आतिफ की बातों में आ गई हो तुम। आतिफ ने हमसे कुछ नहीं कहा था। तो किसने बताया तुम्हें ये सब? वही जिसने हमारी जान बचाई थी। तुम्हें उससे मिलने से मना किया था ना, क्यों मिल रही हो बार बार उससे? तुम पीकेएफ के असूलों को भूल गई हो। बड़ी बी से माफी मांगो। वो हम नहीं कर सकते। पापा, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। इतना पर्दा नहीं पड़ा अजीजा कि तुम्हारी हरकतों को बचपना समझकर माफ कर दूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी आतिफ की तरह अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर लो। खून बहा है बहुत सारा, अल्लाह का बंदा आतिफ हमारा। यही नारा था ना तेरा? बहुत लोगों का खून बहाया है ना तूने? बहाया है खान, पर मासूमों का नहीं, तो जैसे हरामजादों का। इसीलिए हाजी ने तेरे को अपनी पार्टी से निकाला था साले। मैं लश्कर के साथ काम नहीं कर सकता। लश्कर हमारी मुहिम का एक अहम हिस्सा है। मैं बंदूक छोड़ना चाहता हूँ। ये फिदाई से मुझे नफरत है। वो इस्लाम के खिलाफ है। और तुम हमारे आजादी की जंग में अपनी जान देना बहुत बहुत फख्र की बात होती है। आजादी के ख्वाब बेचते हो आप लोग। कश्मीर को एक कंपनी बनाकर रख दिया है। एहसान फरामोश, जिन नेताओं के लिए तू काम कर रहा था उनके खिलाफ नारे लगा रहा है। आजादी दिलवाएगा, शेर कश्मीर बनेगा, हाजी से भी बड़ा आदमी बनेगा साले कत्तार। इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता है? दिल्ली के हाथों कितने में बिका है तू? तू कितने में बिका है खान? वर्दी हिंदुस्तान की पहनते हो और बात पाकिस्तान की करते हो। कश्मीरियत को लाल चौक पर बेचते हो तुम लोग। आतिफ हुसैन की रिहाई के लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
और उनके साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मौलवी अब्बास अंसारी की बेटी और फातिमा स्क्वाड की लीडर अजीजा खुद अवाम के साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ बात करेंगी खुद अजीजा। आतिफ हुसैन कश्मीर और कश्मीरियों की आजादी के लिए लड़ रहा है, वो भी बिना किसी हथियार के। उसे जिस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल सच नहीं है। मैं हर कश्मीरी से गुजारिश करती हूँ कि आतिफ हुसैन की रिहाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। थैंक यू सो मच अजीजा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ ध्रुव रैना। बिल्कुल अपने बाप की तरह है जिद्दी। इसी की तो तनख्वाह बातें हैं। संभल के। वैसे मेरा हाल कश्मीर से तो बेहतर ही है। ऐसे वक्त पे भी मजाक कर लेते हो। फिक्र मत करो, इस बार मैं ही नहीं सारा कश्मीर तुम्हारे साथ है। मीडिया भी तुम्हारी रिहाई के लिए जोर दे रही है। ये देखो, कल से सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। अजीजा तुम जानती हो यूं खुलेआम मेरा साथ देने का नतीजा क्या होगा? आज ही तुम्हें पीकेएफ से निकाल देगा। वो नौबत नहीं आएगी, मैं पीकेएफ छोड़ चुकी हूँ। अजीजा मुझे यहाँ डालने वाला उसी का बाप है, राउफ। देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें हिफाजत की जरूरत है। कुछ दिनों के लिए तुम दर्दपुरा चले जाओ, रजाकर सलमान सारा इंतजाम कर देंगे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तो ऑपरेशन 89 को जानने के लिए हमें सबसे पहले परवेज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। Nearly had him, sir. मेरे हिसाब से ब्लास्ट परवेज ने करवाया था। I have a feeling. It has something to do with Operation 89. Sir. Are you sure, Vikram? Positive, sir. This is part of a big conspiracy. वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, आइए। जनाब मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही चला आता। हिंदुस्तानी पुलिस अफसरों के साथ जानते भी हो कश्मीर में क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, जब तक माहौल सुलझ नहीं जाता तुम यहीं रहो। हाँ, इत्मीनान से रहो हमारे साथ। अब हमें कश्मीरियों की तरह मेहमान नवाजी तो आती नहीं, जितनी हो सकती है उतनी खातिरदारी तो जरूर करेंगे। जावेद कबाब खिलाओ। खाओ लो। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। रूसियों से जंग लड़ने से हमारे जिहाद को दो मजबूत दोस्त मिले हैं, एक तो अमरीकी डॉलर और दूसरा ये AK-47। जनाब जानते हो इसे AK-47 क्यों कहते हैं? जनाब मैं तो सिर्फ चलाना जानता हूँ। AK यानी आजाद कश्मीर, सन 47 से। अब इसे चाहे पानी में डुबो या बर्फ में डालो, कभी धोखा नहीं देती। तुम कश्मीरियों की तरह। बाबा पर 17 ब्लास्ट हो चुके हैं, 18वां कब होगा ये कोई नहीं जानता। उनकी जान को खतरा है और ये बाबा कभी नहीं मानेंगे। चाचा हम बाबा के हमलावारों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। ब्लास्ट के दिन क्या हुआ था? हाँ जी बाबा, परवेज और शब्बीर भाई मस्जिद से निकले, हर जुम्मे की तरह
हाजी बाबा ने दरगाह पे गाड़ी रोक दी। एक फकीर को हरा कपड़ा दिया और पता नहीं क्यों कहा कि शब्बीर भाई की गाड़ी पर बांध दो। मुझे बस इतना पता है कि हरी झंडी वाली गाड़ी को उड़ाना था। आवाम में आतिफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तुम जितना उसे जेल में रखोगे मीडिया और आवाम उसे उतना हीरो बनाएगा। लोग मुझ पर भी शक कर सकते हैं, उसका जेल से निकलना ही बेहतर है। जेल के बाहर निकलकर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जेल के अंदर रहकर वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप रऊफ से कहते तो बेहतर रहता, उसी ने तो अंदर करवाया था। परवेज के कातिल का कुछ पता चला? इन्फॉर्मर्स लगे हुए हैं, पहली खबर आप ही को आएगी। आतिफ, उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ था? उस दिन शबीर और हाजी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। शबीर इलेक्शन लड़ना चाहता था और हाजी ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के हाथों बिक चुका है। ब्लास्ट के दिन वो सब कहाँ जा रहे थे? बस इसी मसले का हल ढूंढने के लिए पीर के घर जा रहे थे। लेकिन पीर बाबा को सियासत छोड़े अरसा हो गया, वो क्यों दखलअंदाजी करेंगे? ये कश्मीर है जनाब, यहाँ सियासत कभी कोई नहीं छोड़ता।